हाय गाइस, मैं सेल्फ अनेक अपड़िया एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वाटर कूलिंग सिस्टम। ये वाटर कूलिंग सिस्टम की मैंने पूरी डिटेल्स इस वीडियो में दिखाई हुई है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस, ये हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये हमारे वाटर कूलिंग सिस्टम में अगर आप कोई भी पानी डालते हो तो ये हाफ एन आवर में इसे 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर सकता है। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोजेक्ट है, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। एंड गाइस, ऐसे साइंस के रिलेटेड एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू अन एक्सपेरिमेंट्स। गाइस, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 12706 पेल्टियर मॉड्यूल की। अगर आपको पेल्टियर मॉड्यूल पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है। इसकी एक साइड हॉट होती है एंड एक साइड कोल्ड होती है। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं। अभी हमें चाहिए होगी एक हीट सिंक, जिससे कि हमारी हीट एब्जॉर्ब हो जाए। आपको एक हैवी हीट सिंक का यूज़ करना है। गाइस, इस हीट सिंक के साथ हमें कूलिंग फैन का भी यूज़ करना है, जिससे कि जो हॉट एयर रहेगी ये हमारी बाहर चले जाएगी एंड हमारा हीट सिंक अच्छे से ठंडा हो सकता है। आप देख सकते हैं, आप इसे अच्छे से इस पर अटैच कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपके पास ये हैवी हीट सिंक नहीं होगा तो आप कोई भी कंप्यूटर पेयरिंग शॉप पे से आप ऐसे एक CPU का हीट सिंक ले सकते हो। ये आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। सो गाइस, लेकिन यहाँ पे हमारा पेल्टियर मॉड्यूल थोड़ा हेवी है, सो हमें एक हैवी हीट सिंक का यूज़ करना है। गाइस, अभी मैं ले रहा हूँ एक वाटर कूलिंग ब्लॉक। ये एक वाटर कूलिंग ब्लॉक है जो कि पानी को ठंडा करता है। इसके एक साइड से हम वाटर डालेंगे तो दूसरे साइड से बाहर निकलेगा। गाइस, अभी हमें लेना है एक वाटर पम्प। यहाँ पर मैं 12 वोल्ट वाटर पम्प ले रहा हूँ। आप इसकी जगह पर ये 24 वोल्ट वाटर पम्प भी यूज़ कर सकते हो, बट हम इस प्रोजेक्ट में ये 12 वोल्ट वाला करेंगे। गाइस, अभी हमें कुछ जिप टाइज लेने हैं, जिससे कि हम हमारे पेल्टियर मॉड्यूल को अच्छे से अटैच कर सकें। गाइस, अभी हम थर्मल पेस्ट के हेल्प से हमारे पेल्टियर मॉड्यूल को इस हीट सिंक के ऊपर अटैच कर देंगे। आप थर्मल पेस्ट की जगह पर एक टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। गाइस, आप देख सकते हैं, मैंने हमारे थर्मल पेस्ट से हमारे पेल्टियर मॉड्यूल एंड वाटर ब्लॉक को हीट सिंक के ऊपर अटैच कर दिया है। गाइस, अभी हम जिप टाई की हेल्प से इसे और टाइट कर देंगे। गाइस, आप देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से जिप टाई की हेल्प से टाई कर दिया। अभी आपको इसे कट कर देना है। गाइस, आप देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से कट कर दिया है एंड हमारा जो वाटर कूलिंग सिस्टम है ये बनके रेडी हो चुका है। गाइस, अभी हमें PVC पाइप को अच्छे से कट कर देना है इसकी शेप से। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये PVC पाइप को अच्छे से कट कर दिया है एंड गाइस, मैंने एक ऐसा राउंड पीस भी कट कर दिया है, जैसे कि हम हमारे PVC पाइप के ऊपर अच्छे से अटैच कर सकते हैं। गाइस, अभी आपको एक ऐसा राउंड बॉक्स लेना है एंड गाइस, आपको ये राउंड बॉक्स के ऊपर एक प्लास्टिक का नल फिक्स करना है। आप देख सकते हैं, आपको एक ऐसे ही प्लास्टिक का एक नल लेना है। गाइस, आप देख सकते हैं, अभी मैंने इसके ऊपर एक इसके हिसाब से एक होल कर दिया है एंड अभी आपको ये जो हमारा प्लास्टिक का जो नल है इसके अंदर इंसर्ट करना होगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं, इसकी जो कैप है मैंने इसके ऊपर भी 2 होल कर दिए, तो अभी हमारा जो ये जो PVC पाइप है हम इसको इसके अंदर डाल सकते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से इसके अंदर। सो गाइस, अभी हमारा जो सर्किट है हमने इसे एक PVC पाइप के ऊपर अटैच कर दिया है अच्छे से। अभी हमें इसके ऊपर ये इसके जो कैप है ये भी लगा देना होगा। सो
गाइस हमें इसे पावर करने के लिए कंप्यूटर का SMPS लेना होगा। ये बहुत सारे मल्टीपल पावर सप्लाई हमें देता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी होता है। गाइस अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है ये पूरा बन के रेडी हो चुका है, हमें इसे अभी सिर्फ सप्लाई देना बाकी है। गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसके कैप के ऊपर ही हमारा ये वाटर पंप भी अटैच कर दिया है। हम इन सबको SMPS से सप्लाई देंगे। सो गाइस चलिए अभी इसका सेटअप कर लेते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है ये पूरा बन के रेडी हो चुका है। इसका लुक आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस बहुत सारी मेहनत लगी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें पूरे 15 डेज लगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गाइस आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा कूल है एंड इसकी जो वायरिंग है हमने इसे पीछे से छुपा दिया है। तो गाइस चलिए अभी हमें इसे टेस्ट करने के लिए इसके अंदर पानी डाल देता हूँ। सो गाइस अभी आधा घंटा हो चुका है एंड चलिए अभी मैं आपको इसके अंदर का पानी दिखा देता हूँ। वह जैसे मैं ओपन करता हूँ आप देख सकते हैं ये दूसरे पाइप से पानी कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। गाइस इसके अंदर का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, मैंने इसके अंदर एक टेम्परेचर मीटर भी डाला है। चले गाइस अभी हम इसका पानी टेस्ट करते हैं। सो गाइस आप ग्लास को देख ही सकते हो कि इसके मतलब ये कितना ज़्यादा ठंडा हो चुका है। गाइस आप देख सकते हो हमारा पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है। गाइस ये समर में तो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है। गाइस ये टेम्परेचर मीटर मेरा ख़राब हो चुका है आप देख सकते हो, सो इसलिए मैं आपको ये टेम्परेचर मीटर से नहीं दिखा पाया। सो गाइस समझो अगर आपको इसे क्लीन करना है तो आप इसे अच्छे से निकाल भी सकते हो, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक प्लास्टिक का राउंड पीस कट करके लगा दिया था। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड ऐसी साइंस के रिलेटेड एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू अन एक्सपेरिमेंट। सो गाइस नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।